गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैर से होंगे और वैक्सीनेशन लगवा ली होगी। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको पता है कोविड का जमाना है, लोग कोविड के लिए वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं और बहुत सारे लोग डर रहे हैं और बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज हैं, बहुत सारी अफवाहें कि भाई अब वैक्सीनेशन करवा लेंगे तो ये होगा, कैसे चंद दो साल के अंदर मर जाएंगे होगा नहीं। तो हमने सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं वैक्सीनेशंस के ऊपर और लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस दे दें कि ये वैक्सीनेशन बेसिकली होती क्या है, वैक्सीनेशन कैसे काम करती है। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को थोड़ा सा नॉलेज आप लोगों से शेयर करते हैं। तो बेसिकली वैक्सीनेशन का मकसद क्या होता है? देखिए, हमारे बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने एक इम्यूनिटी सिस्टम दिया हुआ है, मतलब जैसे कि एक डिफेंस मैकेनिज्म है। जब भी कोई बीमारी आपके जिस्म पर अटैक करती है, कोई भी पैथोजन, कोई भी एक्सटर्नल फॉरेन बॉडी या फॉरेन इन्फेक्शन या कोई भी अटैक होता है आपकी बॉडी पे, तो आपकी बॉडी के अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म जो कि एक्टिवेट हो जाता है। तो उस डिफेंस मैकेनिज्म का काम यह होता है कि आपकी बॉडी को किसी भी हार्म से, किसी भी खतरे से बचाए। तो आपको पता है आजकल कोविड चल रहा है और इसके मामला थे सारे, तो इसमें यह होता है कि आपके उस डिफेंस मैकेनिज्म को एक्टिवेट करने के लिए, खतरे से पहले ही आगाही देने के लिए हम वैक्सीनेशंस का इस्तेमाल करते हैं। वैक्सीनेशंस क्या होती है कि कोई भी जो बीमारी है, उस बीमारी का कोई पैथोजन, कोई भी पार्ट, कोई छोटा सा, या उसके न्यूक्लियस ले लेते हैं या उसकी मेम्ब्रेन ले लेते हैं, कोई उसका प्रोटीन का बहुत छोटा सा पार्ट लेकर आपकी बॉडी में इंसर्ट किया जाता है या इंट्रोड्यूस किया जाता है, वो इनएक्टिव करके दिया जाए या अटेन्यूएटेड हो, वो आपकी बॉडी को इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो उसकी जो इंट्रोडक्शन की अगेंस्ट या सूरत के अंदर आपकी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम एक्टिवेट होता है, तो आपकी जो उस वक्त मैकेनिज्म में होता है वो इनेट इम्यूनिटी एक्टिवेट होती है। और इनेट एक्टिविटी जो इम्यूनिटी एक्टिवेट होती है वो उससे फाइट नहीं कर पाती। जो फाइट नहीं कर पाती तो उसके बाद आपका जो इनेट के बाद एडेप्टिव इम्यूनिटी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। एडेप्टिव इम्यूनिटी सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो उसके नतीजे में आपकी बॉडी एंटीबॉडीज डेवलप करती है। एंटीबॉडीज सोल्जर्स होते हैं जो कि उस डिजीज के अगेंस्ट फाइट करने के लिए तैयार होते हैं। तो एंटीबॉडीज जब बन जाती है तो आपकी बॉडी में ऊपर वाले ने सिस्टम बनाया कि एंटीबॉडीज जब बनती है तो उसके बैक ऑफ द माइंड मेमोरी के अंदर ये नक्श हो जाता है कि अगर फ्यूचर में भी कभी इस डिजीज ने आप पर अटैक किया तो आपके पास डेटा सेफ है और आपकी बॉडीज के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना देती है। और आम कंसेप्शन ये है कि जब आपकी बॉडी में वैक्सीन इंट्रोड्यूस की जाती है तो उसके 14 दिन, 15 दिन, 16 दिन, 18 दिन या 3 हफ्ते या 4 हफ्तों के बाद आपकी एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट होती है। तो अगर आपको किसी भी डिजीज की वैक्सीनेशन लग जाए तो आप ये ना सोचें कि आप फुली सिक्योर हैं। तकरीबन 2 से लेकर 4 हफ्ते तक आपको प्रिकॉशंस लेनी होती है, उसके बाद आपकी बॉडी एंटीबॉडीज को डेवलप करती है। अब यह है कि जो आप अल्लाह ताला ने सिस्टम दिया है आपको ये सब चीजों का, तो वैक्सीनेशन जब आपको मिल जाती है तो आप जो है उस डिजीज से 100% समझ लेके सेफ नहीं है, आपको प्रिकॉशंस भी लेनी होती है। तो वैक्सीनेशन के जरिए जो और आपकी बॉडी, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी डिजीज से एक्सपोज्ड हो गए हैं तो वो आपकी जो इम्यूनिटी डेवलप होगी या जो भी होगी वो आपकी होती है एक्टिव इम्यूनिटी। तो वैक्सीन और जो आप सेल्फ एक्सपोज्ड हैं उससे एक्टिव इम्यूनिटी आपकी एक्टिवेट होती है। और एक और किस्म की इम्यूनिटी होती है जिसको आपको पैसिव इम्यूनाइजेशन कहते हैं। पैसिव इम्यूनाइजेशन जो होती है कि आप फॉर एग्जांपल जैसे किसी स्नेक का वेनम लेते हैं, तो स्नेक का वेनम आपको पता है ना लोग ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं, तो
तो डायरेक्ट आपकी बॉडी में डिड्यूस नहीं करते हैं, वो कोई और एनिमल सैंपल लेते हैं, उसके अंदर उसका थोड़ी थोड़ी अमाउंट में जो वेनम इंट्रोड्यूस करके उसकी एंटीबॉडी उसके बॉडी में बनाते हैं, और उसके बाद उसी के सेल्स के साथ उसके डीएनए से एक्सट्रैक्ट करके उसकी एंटीबॉडीज निकालते हैं और फिर ह्यूमन सब्जेक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इसको कहते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन। पैसिव इम्यूनाइजेशन इतनी कारगर नहीं होती है, बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं होती है, और ये टेम्पररी बेसिस पर होती है। एज कंपेयर टू पैसिव इम्यूनाइजेशन, एक्टिव इम्यूनाइजेशन इज वेरी रिलायबल, लॉन्ग लास्टिंग एंड परमानेंट। तो होपफुली आपकी आज की वीडियो से नॉलेज मिल गया होगा, काफी क्वेरीज दूर होगी होंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि हम मजीद वीडियोस भी इस टॉपिक पर बनाएं तो हमें कमेंट पे जरूर कहिए, लिख दीजिए और मैसेज भी कर सकते हैं। तो हम एक सीरीज बनाएंगे पूरी वैक्सीनेशन के ऊपर, और फिर इंशाल्लाह COVID-19 की वैक्सीनेशन का डेटा भी आपसे शेयर करेंगे और उस पर भी बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी, और वीडियो को मजीद लॉन्ग नहीं करते क्योंकि बोरिंग हो जाती है। तो ज्यादा से ज्यादा रिक्वेस्ट करेंगे हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें ताकि बहुत सारे और लोगों तक भी नॉलेज पहुंचे और लोग इस अभाव से बाहर आए कि वैक्सीनेशन उनके लिए सेफ नहीं है। तो आज के लिए इतना ही काफी, इंशाल्लाह फिर इसी टॉपिक पे एक न्यू वीडियो लेकर आएंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय।